हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सीओ एंड क्रिएट ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में मैंने स्टिच करा है ये स्टाइलिश सा कोरियन स्टाइल टॉप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम अस्तर को कट करेंगे, जिसके लिए मैंने अस्तर को फोर फोल्ड कर बिछा लिया है। उसके बाद मैं शोल्डर का मार्क करूँगी, जो कि हमारा आता है 7 इंचेस पर। शोल्डर मार्क करने के बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे 7 इंचेस पर। आर्म होल की मार्किंग कर लेने के बाद हम इन लाइनों को मिला देंगे। लाइनों को मिलाने के बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। मैंने यहाँ पर टॉप की टोटल लेंथ रखी है 23 इंच। अगर आप चाहो तो आप इससे बढ़ाकर भी ले सकते। अब हम साइड में बॉडी फिटिंग का भी मार्क लगा लेंगे। मार्क लगा लेने के बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंचेस पर और हम इसे पूरा कट कर लेंगे। अब हम जॉर्जेट को कट करेंगे, जिसके लिए मैंने जॉर्जेट को फोर फोल्ड कर बिछा लिया है। और हमने जिस मेज़रमेंट से अस्तर को कट किया था उसी मेज़रमेंट से हम जॉर्जेट फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब फैब्रिक कट हो जाने के बाद हम नेक मार्किंग करेंगे। पहले हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हम 2 इंचेस का विड्थ लेंगे और 5.5 इंचेस का लेंथ लेकर इसको वी शेप में कट कर लेंगे। मैंने अस्तर को भी इसी मेजरमेंट से कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे, जिसके लिए हम विड्थ लेंगे 2 इंचेस और लेंथ लेंगे 1.5 इंचेस और राउंड शेप में इसे कट कर देंगे। अब हम स्लीव्स कट करेंगे, जिसके लिए मैंने स्लीव्स की टोटल लेंथ ली है 23 इंचेस और स्लीव्स की टोटल विड्थ रखी है 8 इंचेस। अब मैंने जहाँ पर 8 इंचेस का मार्क लगाया है वहाँ से 3 इंचेस नीचे डाउन करूँगी। उसके बाद 3.5 इंचेस का मार्क करके इन लाइनों को मिला दूँगी और फिर स्लीव्स का शेप देकर इसे कट कर लेना है। स्लीव्स कट हो जाने के बाद मैं बॉटम से 5 इंच ऊपर मार्क करूँगी इलास्टिक अटैच करने के लिए। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब फ्रिल को कट करेंगे। फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ रखी है 4 इंचेस। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के ऊपर फ्रिल को कुछ इस तरीके से रख कर इसे स्टिच कर लेंगे। हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें सेकेंड लेयर फ्रिल का लगाएंगे। फ्रिल लगा लेने के बाद हम शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले बैक पार्ट को नीचे रखेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को रखेंगे, उसके बाद बैक पार्ट को उल्टी तरफ से रख के इसे शोल्डर से स्टिच कर दें। अब हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें बॉटम में हेम कर लेना है। यहाँ मैंने पतली वाली हेम की है। हेम कर लेने के बाद आप अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलास्टिक को स्टिच कर लें। अब स्लीव्स में इलास्टिक लगकर रेडी हो चुका है। दूसरा वाला स्लीव्स भी इस तरीके से रेडी कर लेंगे। स्लीव्स रेडी हो जाने के बाद हम इसे बॉडी से अटैच कर देंगे।
यहाँ मैंने स्लीव्स अटैच कर दिया है, इसी तरीके से दूसरे वाला स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो हमारा स्टाइलिश सा ये कोरियन टॉप बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।